अस्पताल में 4 साल की बेटी की मौत के बाद शव वाहन न मिलने के बाद चाचा अपनी बेटी का शव कंधे पर लेकर चल पड़ा। दरअसल जिला अस्पताल में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजन शव को बक्सवाहा तक तो ले आए, लेकिन बक्सवाहा से 4 किलोमीटर दूर स्थित गांव तक परिजनों को शव वाहन नसीब नहीं हो सका। आखिरकार बच्ची के चाचा ने शव को कंधे पर रखा और पैदल चलना शुरू कर दिया। बाद में नगर परिषद द्वारा शव वाहन की व्यवस्था कर शव को गांव तक पहुंचाया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शव वाहन होता है वो नगर पंचायत या नगर पालिका होता है। अस्पताल में हमारे जिला अस्पताल में इसकी शव की व्यवस्था है और इसके लिए हमने मतलब पीओ से भी बात करेंगे और हम वहाँ के जो सीएमओ है या जो एचओ से बात करेंगे कि ऐसी गलती जो है मतलब दोबारा ना हो। कहाँ एक्सपायर हो गई तो यहाँ आपने शव वाहन के लिए कहा था, वो मना कर दिया ना। हम सुनना कितने नगर पालिका में बोल रहे थे भाई यहाँ से नहीं जाएगी हमारी गाड़ी, सवाल नहीं जाएगा। क्या हो गया था बच्ची को? बुखार चले सर 2 दिन, फिर इसे अपने दमो में दमो वालों से दवाई कराई जी, फिर उन्हें दवाई दे दी जी, फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया दमो ले हम आज सुबह दमो लेके भाग दो वहाँ एक्सपायर हो गई। हाँ फिर आप यहाँ बक्सा हाल आए तो फिर वाहन आहन कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला वाहन, कोई वाहन नहीं मिला। नहीं मिलो जो जो शव वाहन है और अस्पताल की व्यवस्था होती कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं।